नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अमेठी में मंगलवार की दोपहर जॉयस के बहादुरपुर नेशनल हाईवे पर ग्रामीणों ने वाटर सप्लाई समस्या को लेकर सांसद को रोका और उन्हें अपनी पेयजल समस्या की जानकारी दी। कहा कि 15 दिनों से वाटर सप्लाई बहादुरपुर की ठप है। सांसद महोदय ने फौरन ही साथ चल रहे डीएम को समस्या के अविलंब समाधान के निर्देश दिए। देखिए, केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद श्रीमती स्मृति जुबिनी ईरानी यहाँ पर आ रही हैं। आज बगल में 2 किलोमीटर पर कार्यक्रम है। यहाँ पर 90 के दशक में एक जल निगम की टंकी बनी थी, 2 पंप हैं उसमें। एक पंप खराब हो गया है 10 साल पहले, दूसरा पंप ये है, ये आए दिन खराब रहता है। साल में मुश्किल से 4-5 महीने लोगों को पानी मिलता है। हर हफ्ते में एक बार ये नल खराब हो जाता है, 15 दिन में खराब हो जाता है, और जब खराब हो जाता है तो 15-20 दिन महीने भर के पहले बनता नहीं। अधिकारियों से बात करो तो वो रोना रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, फंड नहीं है। बिजनौर में जंगल से निकलकर घर के अंदर गुलदार के घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। माहौल मंडावली क्षेत्र में अचानक एक घर में गुलदार आने से परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बिजनौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए चोर गैंग के पास से पुलिस ने 24 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। बरामद बाइकों की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। इतना ही नहीं, इन 5 वाहन चोरों से अवैध शस्त्र भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोतवाली बिजनौर में मंडावा रोड पर मालन नदी के किनारे से SPCP क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में इंस्पेक्टर कुतवाली ने अपनी टीम के साथ 5 वाहन चोरों को पकड़ा है और उनके कब्जे से बारी बारी से अलग अलग जगहों से 24 बाइक बरामद किया है। इन 24 बाइक में से 17 स्प्लेंडर है। शेष कलेक्ट्रेट परिसर में साफ सफाई के साथ रंग रोगन भी किया जा रहा है। कल 11 मई को बिजनौर में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचेंगी। अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत करेंगी राज्यपाल। बिजनौर जिला अस्पताल, जिला कारागार और विकास भवन का राज्यपाल निरीक्षण भी कर सकती हैं। विद्रकुटी की भी जी सकती हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सिकंदराबाद के गांव बौखेड़ा में निराश्रित गौवंशों के संरक्षण के लिए बनाए गए वृहद गौरक्षण केंद्र का जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने औचक निरीक्षण किया। डीएम ने गौवंशों के लिए भूसा, चारा, पानी, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हापुड़ मोदीनगर रोड पर कार और बाइक की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। यह सड़क दुर्घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर था। टक्कर के बाद बाइक सवार 4 हवा में उड़ गए। हादसे में कई लोगों की मौत हुई है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शवों को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हरदोई के कोतवाली शहर इलाके में स्कूली बच्चों से भरी जयपुरिया स्कूल की वैन तेज रफ्तार की वजह से गड्ढे में अनंतित होकर पलट गई। हादसे के बाद बच्चों में छिपकार मच गई। आसपास के लोगों ने दौड़कर स्कूली वैन से बच्चों को बाहर निकाला। हालांकि किसी भी बच्चे को चोट नहीं लगी है। एक बड़ा हादसा होने से टल गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं वैन हादसे का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हादसे के बाद स्कूल संचालक के साथियों के साथ द्वारा लोगों को धमकाने और अभद्रता करने का भी वीडियो सामने आ रहा है। कोतवाली शहर क्षेत्र में सेंट जेवियर स्कूल के निकट आवास विकास कॉलोनी में एक वैन जो जयपुरिया स्कूल की थी, उसमें बच्चे स्कूली बच्चे थे, वो पलट गई है। वहाँ पे रोड जो ऊंची नीची थी, आसपास के लोगों ने पहुँच करके बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया है। जयपुरिया स्कूल की वैन थी जो अनियंत्रित होकर के आवास विकास के पास पलट गई थी, जिसमें 7 बच्चे थे। लेकिन तत्काल मौके पर लोगों के द्वारा एवं पुलिस के द्वारा बचाव कर लिया गया। किसी भी बच्चे को कोई ज़्यादा चोट नहीं आई है। और जैसे ही ये जानकारी प्राप्त हुई है, ARTO साहब को मौके पर जो जिससे के काशीपुर में खेत से मिट्टी उठाने पर विवाद के दौरान फायरिंग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि व्यक्ति की पत्नी के साथ भी बदसलूकी की है। तहरीर के आधार पर केस दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मौके से असलाह भी बरामद हुआ है।
में सूचना मिली कि कुंडा क्षेत्र में जो भरतपुर गांव है, पन्नू फार्म वाला एरिया, उसमें कुछ गोली चली हैं और दो पक्षों में झगड़ा हुआ है मिट्टी के खनन को लेकर। तो इसमें पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल को अस्पताल भिजवाया गया। ये जोगा सिंह हैं जो घायल हैं, और इनके भाई जो दूसरे अनूप सिंह हैं, इन्होंने बताया कि जगरूप सिंह, सतनाम सिंह और गोपी, इन तीन व्यक्तियों ने और तीन चार अज्ञात व्यक्तियों ने वहाँ पर फायरिंग की और जो जोगा सिंह पर चोट लगी और उसके बाद वहाँ से भाग गए। तो पुलिस ने मौके से खोखे भी बरामद किए हैं। कमिश्नर डीके ठाकुर के निर्देशन में डीसीपी डॉक्टर चिनप्पा, एडीसीपी आईपीएस प्राची सिंह और एसीपी अलीगंज सैयद अली बास के नेतृत्व में जानकीपुरम थाना प्रभारी चतपाल सिंह को सफलता मिली है। अभियुक्त नीरज के पास से चोरी की गई दो बाइक और 12 बोर नाजायज असलाह बरामद कर एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। लखनऊ में सिटी मॉनेस्ट्री स्कूल के शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक धन्यवाद समारोह का भव्य आयोजन किया गया। ऑडिटोरियम में ये आयोजन जो है वो संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। तो पिछले वर्ष के जो उपलब्धियां इन्होंने की है वो अद्भुत है, आश्चर्यजनक है और उनका खुद का विवरण कि हमने चाहते हैं तो क्या क्या उपलब्धि एक प्रश्न की है हमारे बच्चों ने तो टीचर को मेहनत करके पढ़ाया है तो उसकी सारी उपलब्धियां उनमें मौजूद है। ये हमने आपको बताया था कि शिक्षकों का सम्मान हमेशा होता रहा है, हमेशा होता रहेगा और सीएमएस इस प्रकार का एक खजाना है उत्तर प्रदेश में जो अन्य प्रदेशों में भी कमी मिलेगा। इतनी प्रगतिशील, इतना नैतिक, इतना अनुशासन, इतना वेतन बढ़ाए जाने, कर्मचारी बीमा निधि और पीएफ की मांग को लेकर मंगलौर नगर पालिका पर आउटसोर्स सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने ठेकेदार पर मनमानी किए जाने का आरोप लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाए जाने और सफाई कर्मचारी भत्ते दिए जाने की मांग की है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने बताया कि शहर की साफ सफाई के लिए ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है जिससे कस्बे में साफ सफाई लगातार बनी रहे। ठेकेदार को कर्मचारियों को वेतन दे दिया गया है। ठेकेदार ने अभी सफाई कर्मचारियों को पीएफ और एसआई नहीं दिया, उसके लिए ठेकेदार को सूचित कर दिया गया है। कर्मचारियों को पिछले महीने का वेतन समय पर दे दिया गया है। सफाई कर्मचारियों से वार्ता कर जल्द ही समस्या का निस्तारण कर लिया जाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक दशक से जयराम की दुनिया में नाम चीन बदमाश के नाम से विख्यात रहे विकी त्यागी की मौत के बाद विकी त्यागी के पिता का एक तालिबानी फरमान का विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें कुख्यात बदमाश विकी त्यागी के पिता राजवीर प्रधान द्वारा गाँव में मुनादी कर हरिजन समाज के लोगों को खुलेआम चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुख्यात बदमाश के पिता राजवीर का वीडियो वायरल होने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस हरकत में आई है। आनंद फानन विकी के पिता और अन्य दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना चरथावल के अंतर्गत पावटी खुर्द गांव में राजवीर नाम के व्यक्ति द्वारा, जो स्वयं को राजवीर प्रधान के नाम से बुलाता है, एक गैरकानूनी व आपत्तिजनक जातिगत टिप्पणी करी गई व मारपीट की बात करी गई जिसमें उस व्यक्ति व उसके एक साथी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। इसी के साथ साथ भविष्य में उसके विरुद्ध गुंडा निधि के अंतर्गत भी कठोर कार्रवाई करी जाएगी। धन्यवाद। साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के अंतर्गत साइबर क्राइम पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम लखनऊ नेतृत्व में थाना सेक्टर 36 नोएडा टीम ने आईटी एक्ट में वांछित अपराधी जो आईटी इंजीनियर को इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर एनजीओ के लिए फर्जी महंगे गिफ्ट और डोनेशन भेजकर कस्टम क्लियरेंस के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले अफ्रीकी मूल के साइबर अभियुक्त दिल्ली से गिरफ्तार किए हैं। ये अपराधी अब तक सोशल मीडिया पर 15 महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर करीब 1,60,00,000 रुपये की ठगी कर चुका है। इसके पास से 5 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 सैमसंग टैबलेट, 2 इंटरनेट डोंगल, 1 वाईफाई राउटर समेत 2 पासपोर्ट की कॉपी बरामद की गई है। मेरे यहाँ एक कंप्लेंट दर्ज हुई थी 420 की और 688 की, जिसमें एक महिला है, हमारी पीड़ित महिला है, तो उनको इंस्टाग्राम पे
एक रिक्वेस्ट आई फैक रहमान के नाम से, तो वो आईटी की मतलब आईटी की कंपनी है, तो उनको लगा कि शायद मेरा कोई प्रोजेक्ट का व्यक्ति है ये, उसके आधार पर उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया और फिर धीरे धीरे अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप होने के बाद उसने कहा कि आपके एनजीओ के नाम पे आपके बच्चों के खिलौने के रूप में कुछ गिफ्ट भेज रहा हूँ, जिसके बाद कस्टम से एक फ़ोन आता है कि आपका कस्टम क्लियरेंस रह गया है और आपका जीएसटी का है और कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का है, वो भी सब क्लियरेंस करना है। तो इसके आधार पर उनसे कभी 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख करके ऐसे करके 28 लाख रुपये उनसे ले लिए। ऋषिकेश की IDPL चौकी क्षेत्र अंतर्गत दुर्गा मंदिर के सामने वाली कॉलोनी में दिनदहाड़े ताला तोड़कर एक क्वार्टर से लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चोरी हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के आदेश अनुसार समस्त उत्तराखंड राज्य में चलाए जा रहे मिशन मर्यादा विशेष अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल मोहिते के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार और क्षेत्राधिकारी श्रीनगर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण झूला के नेतृत्व में झूला गंगा के किनारे स्थित घाटों पर पुलिस टीम गठित कर लगातार गश्त कर निगरानी की जा रही है। पुलिस गश्त के दौरान लक्ष्मण झूला पुलिस टीम के द्वारा रामझूला घाट पर हुड़दंग कर रहे कई व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। गढ़वाल कमिश्नर के निर्देशन पर ऋषिकेश और मुनिगिरी क्षेत्र में अधिकारी अस्थायी अतिक्रमण हटाने के प्रति गंभीर दिखाई दे रहे हैं। यातायात और पैदल व्यवस्था में बाधक बनने वाले अतिक्रमण को एक के बाद एक हटाया जा रहा है, जिससे अतिक्रमणकारियों में हलबली मची हुई है। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत जगह जगह जो इंक्रोचमेंट हो रहा था, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी, तो आज पुलिस के सहयोग से और नगर पालिका के सहयोग से वो अतिक्रमण हटा दिया गया है और आगे भी ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। फिलहाल हमारा जो फोकस था वो मुनिगिरी नगर पालिका क्षेत्र में था और इसके बाद हम तपोवन जो नगर पंचायत का क्षेत्र है वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। रखते हुए नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्र रोड मुखड़ी पूरा स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें जितने भी दुकान के बाहर, नाली के बाहर जितना भी जो इंक्रोचमेंट है उससे कार्रवाई की गई है। सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध है कि दुकान के बाहर, नाली के बाहर कोई भी जो भी सामानों का वो जब्त कर लिया जाएगा। मणिराम मार्ग स्थित गली नंबर 8 में नगर निगम द्वारा किए गए पेच वर्क की जांच करने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे। खराब गुणवत्ता पाए जाने पर उन्होंने सहायक नगर आयुक्त को फटकार लगाई। तिलक मार्ग में नाली पर नियमित सफाई न होने, खाली पड़े प्लॉट में कूड़ा पड़े होने पर सफाई निरीक्षक से भी सवाल जवाब किए। मणिराम रोड पे लोगों की जहाँ जो शिकायतें आ रही थी कि एक तो वहाँ जो नालियों की सफाई प्रॉपर पिछले काफ़ी टाइम से नहीं हुई और वहाँ कोई एक सड़क का कोई डामरीकरण या पैच बनाने का काम हुआ जो अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ वो उखड़ना शुरू हो गया। तो जनता की शिकायत पे लगातार मेरे संज्ञान में जब बात आ रही थी तो मैं आज जाके मौके का निरीक्षण किया तो मुझे वास्तव में पाया कि न तो वहाँ नालियों की सफाई वहाँ पर हो रही थी। एक प्लॉट था जिसपे बहुत बुरी हालत वहाँ पे कूड़े की थी, डंप हो रखा था, नालियों से दुर्गंध आ रही थी। मैंने खुद एक डंडी लगा के मैंने वहाँ पे दिखाया भी वहाँ पे जो अपने SNA हैं कि वो डंडी ऐसे घुस रही थी कि गारा जो मलबा है वो कितना उसमें जमा था, यानी सफाई नहीं हुई। रुद्रप्रयाग जिला कार्यालय और जिलाधिकारी आवास के निकट के जंगल में आग की चपेट लगातार बढ़ती जा रही है। जंगल पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं दूसरी ओर बारिश होने के बाद भी जंगलों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही। सहारनपुर पुलिस का क्राइम कंट्रोल ऑपरेशन लगातार जारी है। ATM कार्ड बदलकर फ्रॉड करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि एक सप्ताह में ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। बीते 5 दिन पहले भी ऐसे ही गिरोह के 5 सदस्यों को सहारनपुर पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। इसी कड़ी में आज भी सहारनपुर के थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। थाना सदर बाजार पुलिस ने 5 रात्रि ATM चोर गिरफ्तार किए हैं। साथ इनके कब्जे से ATM कार्ड और 81,000 रुपये बरामद किए गए। आज SOG और थाना सदर बाजार मुजफ्फरनगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा एक ATM
का फ्रॉड से चोरी करके और एटीएम अकाउंटों से पैसे निकालने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया। कुल 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से 139 एटीएम कार्ड्स, 81,100 रुपये नकद और एक स्विफ्ट गाड़ी बरामद हुई है। ये देखिए इनका आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है और ये कब से इसमें लिप्त हैं इसके बारे में भी जानकारी अभी विवेचना में की जा रही है। देखिए कोई टेक्निकल फ्रॉड ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये एटीएम से में से पैसे निकालने वाले लोगों को सहायता करने के नाम पर पहले उनका पासवर्ड देख लेते थे और फिर उनको गुमराह करके फ्रॉड करके अपना से उनका एटीएम कार्ड एक्सचेंज कर लेते थे। संभल में एक मुस्लिम युवक ने फेसबुक पर प्रधानमंत्री का आपत्तिजनक फोटो पोस्ट किया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला कुड़फतेहगढ़ थाना के गांव दारनी का है, जहां के मुस्लिम युवक इरफान ने प्रधानमंत्री का आपत्तिजनक फेक फोटो फेसबुक पर पोस्ट किया। फोटो के साथ पोस्ट कमेंट भी किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। कल दिनांक 9 मई 2022 को थाना कुड़फतेहगढ़ ग्राम डारनी से पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम इरफान हुसैन है और डारनी का रहने वाला है, ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के लिए एक आपत्तिजनक पोस्ट फेसबुक पर शेयर किया। पुलिस ने सूचना का संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करी, व्यक्ति गिरफ्तार किया और आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। श्रावस्ती के एकौना थाना क्षेत्र के गांव में आपसी बात के रंजिश के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपिटाई हो गई। मारपिटाई में दूसरे पक्ष के लोगों ने एक युवक को जमकर लाठी डंडों से पीट दिया, जिससे युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद सिर पर गहरी चोट खाए हुए युवक ने थाना एकौना में पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। सरकार से राजस्व की चोरी कर अपनी तिजोरियां भरने वाले प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार एक्शन मोड में है। हरिद्वार जिले में विकास प्राधिकरण विभाग लगातार अवैध कॉलोनियों और निर्माणों को सील और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। अब तक दर्जन कॉलोनियों पर एचआरडीए बुलडोजर चल चुका है, जो नियम विरुद्ध ग्राहकों को परोसी जा रही है। इसके अलावा हरिद्वार हाईवे पर स्थित शेरपुर बढ़ी में रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने ऐसी ही 4 कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया। सहारनपुर के बेठा में नगर में विद्युत विभाग का फर्जी अधिकारी बनकर अवैध वसूली करते हुए युवक को धतपोचा गया है। सोमवार को नगर के मोहल्ला गडान में एक युवक विद्युत विभाग का विजिलेंस का फर्जी अधिकारी बनकर महिलाओं को डरा धमकाकर वसूली कर रहा था। हरदोई में सरकारी विभागों पर विद्युत विभाग का 35 करोड़ से ज्यादा रुपए बिल बाकी है। इन सरकारी विभागों से विद्युत विभाग को बकाया धनराशि वसूलने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इनमें जिला प्रशासन से लेकर पुलिस बेसिक शिक्षा समेत 37 विभागों का विद्युत बिल कई सालों से बाकी है, जिसे विभागों ने अदा नहीं किया। ऐसे में विद्युत विभाग के अफसर विभागीय अफसरों के पास जाकर विद्युत बिल जमा करने के लिए लगातार उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। लगभग 35.52 करोड़ हमारा हरदोई ज़िले में विद्युत का रेवेन्यू बकाया है और जिसमें 1100 लाख लगभग जिला प्रशासन का है और 330 लाख चिकित्सा विभाग का है, 684 लाख प्राथमिक विद्यालय का है और 259 लाख पुलिस विभाग का है। इसके लिए हम संपर्क कर रहे हैं निरंतर, ताकि जो है ये रेवेन्यू जल्दी कलेक्ट हो जाए। और अभी इसके लिए हमने कई जगह मेडिकल विभाग में भी गया, जिला चिकित्सालय मेडिकल में, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमको और 10 लाख का पिछले वीक में रेवेन्यू और 40 लाख नेक्स्ट वीक में उन्होंने यह वादा किया है कि करेंगे और धीरे धीरे जो भी उनकी है वो सब कंप्लीट करेंगे अपना।
अमेठी में केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद का अमेठी दौरे का आज दूसरा दिन रहा। इस दौरान अमेठी सांसद स्मृति ईरानी एचएल कोरबा स्थित गेस्ट हाउस पर कार्यकर्ताओं सहित लोगों से मुलाकात करती हुई नजर आई। मुलाकात के दौरान कई महिलाओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। अमेठी सांसद ने बच्चियों के लिए काफ़ी बातें रखी हैं। सांसद महोदया ने जिलाधिकारी अमेठी पुलिस को निर्देश दिए हैं कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और जिला प्रशासन की है। इस दौरान अमेठी सांसद स्मृति ईरानी और निजी सचिव विजय गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हरदोई में शिक्षक नेताओं द्वारा आपस में गाली गलौज, मारपीट और असले रहने का मामला सामने आया है। टीम अविनाश कुमार के निर्देश पर बीएसए ने कार्रवाई की है। बीएसए ने शिवशंकर पांडे प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय कहडुला टणियावा को निलंबित कर दिया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष और प्रांतीय कोषाध्यक्ष शिवशंकर पांडे बीएसए ने अक्षत पांडे सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सहोरा बिलग्राम को भी निलंबित किया है। इसके अलावा महेंद्र प्रताप सिंह प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय मड़िया बावन को भी निलंबित कर दिया। बीएसए ने आलोक मिश्रा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय हरपालपुर को भी निलंबित किया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।